तो अब हम करेंगे लेजर नंबर टू की एंट्री। जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा लेजर नंबर फर्स्ट की एंट्री, ठीक है। तो अब हम लेजर नंबर टू स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इन्फो में आ गए, इसके बाद लेजर पे जाके एंटर। इसके बाद हो गया हमारा क्रिएट के बाद करेंगे अब हम फर्नीचर। फिक्सेड असेस्ट के अंदर आता है हमारे संपत्ति है, ये भी हमारी चाहिए होगा हमारा 640 DR। एंटर एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हो गया मोटरसाइकिल हो गई हमारी, ये भी हमारी फिक्सड असेस्ट में आती है, ये हो गई 6250 DR। इसके बाद हो गई हमारी बिल्डिंग, ये भी हमारी फिक्सड असेस्ट होती है, ये हमारी संपत्ति है। इसके बाद होता है हमारा कितने रुपए का हो गया ये 7590 रुपये DR। इसके बाद में हो गया बैड डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 125 DR। इसके बाद हो गया हमारा डेबिटर्स, ये हो गया सेंट्री डेबिटर्स के अंदर आएगा, ये हो गया 3800 DR। एंटर एक्सेप्ट कराएगा हम इसे। इसके बाद में आ जाएगा हमारा स्टॉक आएगा स्टॉक इन हैंड के अंदर 3000, ये बैठ जाएगा हमारा 3460 रुपये DR। इसके बाद हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट करेंगे परचेज आ जाएगा परचेज अकाउंट के अंदर, ये हो जाएगा 5575 DR। एक्सेप्ट करेंगे अब हम इसे। इसके बाद हो जाएगा सेल्स रिटर्न आएगा सेल्स अकाउंट के अंदर 200, ये हो जाएगा हमारा 200 रुपये DR। इसके बाद में होगा एक्सेप्ट करेंगे ADV एडवर्टाइजमेंट का, ये आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी हमारा खर्च है 450 DR। एंटर एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद में हो गया हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम में 118 रुपये DR 118 DR। एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हो जाएगा हमारा कैश को हम छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाएगा टैक्स आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हो गया हमारा 1250 DR। एक्सेप्ट। इसके बाद आ जाएगा जनरल एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर आएगा ये भी जनरल एक्सपेंस इनडायरेक्ट 782 DR। इसके बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आएगा सैलरी होगी इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3300 DR। इसके बाद आएगा बैंक ओडी आएगा हमारा बैंक ओडी अकाउंट। इसके बाद आ जाएगा ये हो गया 2850 CR, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा हमारा परचेज रिटर्न हो जाएगा हमारा परचेज अकाउंट के अंदर एक एंटर। इसके बाद 125 CR। इसके बाद हो जाएगा हमारा एक्सेप्ट करने के बाद करेंगे कमीशन आएगा हमारा इनडायरेक्ट इनकम 175 CR। एक्सेप्ट। इसके बाद आ जाएगा कैपिटल पूंजी, ये होती है हमारी पूंजी। इसके बाद हो गया कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा, ये हो जाएगा 12890 CR। एक्सेप्ट। इसके बाद हो जाएगा हमारा करंट लेबिलिटी 200 CR। इसके बाद हो जाएगा हमारा क्रेडिटर्स, ये हो जाएगा सैंड्री क्रेडिटर्स
2500 CR, इसके बाद हो जाएगा हमारा सेल्स, सेल्स सेल्स हो जाएगा सेल्स अकाउंट में 15450 CR एक्सेप्ट। तो अब हमारे लेजर की एंट्री जो है वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे, स्टॉक में आएंगे, स्टॉक में आके जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है साल में जो लास्ट का बचा हुआ पैसा है उसको भी हम क्लोजिंग स्टॉक में डाल देंगे। 3250 DR था, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे हम, कैश, कैश की एंट्री जो है लेजरों में ऑलरेडी होती है, सिर्फ इसमें क्या होता है पेमेंट भरनी होती है। कितना पेमेंट है, जैसे कि हमारा 650 DR है तो हम इसमें जहाँ भी वो मिलेगा कैश, सबसे ऊपर मिलेगा कैश, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम एंट्री कर सकते हैं। देखो जैसे कि हमारा कैश है, कैश इन हैंड के अंदर ऑलरेडी है, इसमें हम सिर्फ पेमेंट भरेंगे 650 DR, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हम कर सकते हैं। अब इसे करेंगे हम एसके, एक्सेप्ट करने के बाद एसके गेट ऑफ टैली पे आएंगे, हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, बैलेंस शीट पे जाके एंटर, तो ठीक है। इसके बाद अब करेंगे F2 करके यहाँ से हम भरेंगे 31.3, ठीक है। इसके बाद फिर करेंगे F11 करने के बाद इंटीग्रेटेड अकाउंट इन्वेंट्री नो करेंगे, इसके बाद सारों को नो कर इनको एक्सेप्ट करेंगे नो करके, ठीक है। देखो कंट्रोल से हमने, इसके बाद आ गया हमारा 22180, ठीक है ना। इसके बाद हमारा ये क्लियर हो गया लेजर, यही आ रहा हमारा।